नमस्कार मित्रों, देशी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मोर पंख के उपाय के बारे में। मोर का पंख दूर कर सकता है आपकी सारी परेशानियों को। आपकी कोई भी परेशानी हो, कुछ भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, क्योंकि मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन होगा, जो घंटी का आइकन होगा, उसको ज़रूर दबाएं, उसको ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे। देवराज इंद्र को मोर पंख का सिंहासन भाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मुकुट पर मोर पंख को सजाया। यहाँ तक कि पौराणिक काल में भी महर्षियों ने मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। इन सब से यह साबित होता है कि मोर का पंख हमारे लिए कितना पवित्र और महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही मोर के पंखों का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोर पंख के कुछ खास उपाय जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मोर का पंख किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखने की क्षमता रखता है। इसलिए मोर के पंखों को घर में लगाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। मोर के पंख का इस्तेमाल करके भूत बाधा, नजर दोष, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। मोर का पंख पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है। विद्यार्थी पुस्तकों के बीचों बीच अभिमंत्रित मोर पंख रखकर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मंत्र सिद्धि के लिए जपने वाली माला को मोर के पंखों के बीच में रखना चाहिए। नवग्रहों की खराब दशा से बचने के लिए भी मोर का पंख आपकी मदद कर सकता है। घर में अलग अलग स्थान पर मोर का पंख रखने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। मोर के पंख का उपयोग रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। मोर के पंख से तपेदिक, दमा, लकवा, नजला तथा बांझपन जैसी बीमारियों का, जैसे रोगों का इलाज किया जाता है। घर के दक्षिण पूर्व कोण में मोर का पंख लगाने से घर में बरकत होने लगती है। घर से सदस्यों की अचानक से आने वाली किसी भी कष्ट से रक्षा होती है। मोर के पंख और सांप के बीच में दुश्मनी है, इसलिए मोर का पंख घर में रखने से सांप घर में प्रवेश नहीं करता। इसके अलावा मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में लगाने से राहु का दोष भी कभी नहीं परेशान करता है। मोर का पंख किसी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के मुकुट में 40 दिन के लिए स्थापित करें। हर रोज शाम को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं, फिर 41वें दिन उसी मोर के पंख को मंदिर से घर लाकर अपने लॉकर में रखें। आप खुद महसूस करेंगे कि घर में सुख शांति की वृद्धि हो रही है। कालसर्प दोष को भी दूर करने के लिए इस मोर के पंख में अद्भुत क्षमता है। कालसर्प वाले व्यक्ति को अपने तकिए के खोल के अंदर 7 मोर के पंख सोमवार की रात को रखना चाहिए और उसी तकिए पर सोना चाहिए। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या फिर शनिवार को उसका नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर रखें। अगली सुबह उठकर बगैर नहाए उसे चलते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका शत्रु भी आपसे मित्रता का व्यवहार करने लगेगा। अगर घर में कोई बच्चा जिद्दी हो तो मोर के पंखों से बच्चे को हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगेगी। मोर के पंख को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिर के पास रखने पर बच्चे की नज़र दोष और किसी भी तरह की अला बला से रक्षा होती है। यकीनन इन आसान उपायों को आजमा कर आप न सिर्फ अपनी तमाम परेशानियों का खात्मा कर सकते हैं, बल्कि ऐसा करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।